दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 15 से ज्यादा गांव में चलने वाले बिजनेस कौन से हैं, जिसे आप कम लागत में शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, इसको विलेज बिजनेस आइडिया कहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शहर में हर कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन जब गांव में रहकर बिजनेस करने की बात आती है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि गांव में रहकर घर में कौन सा बिजनेस करें। यदि आप भी ऐसी सोच रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गांव में चलने वाला बिजनेस आइडिया कई सारे हैं, जिसे करके आप लाखों कमा सकते हैं। यहाँ तक कि गाँव में बिजनेस करना आसान है शहर के मुकाबले। दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे जितने भी गांव से आप बिजनेस शुरू कर पाएंगे उसकी जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। दोस्तों, तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फर्स्ट बिजनेस आइडिया कौन सा है। तो दोस्तों, फर्स्ट है किराने का बिजनेस। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रोजाना जिंदगी के लिए कई सारे वस्तुएं हैं जो रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांव के लोगों के लिए वे सामान मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में वे सामान आप मुहैया कराएंगे अपने किराना शॉप खोल खोल करके। दोस्तों, किराने का बिजनेस से तात्पर्य घरेलू छोटे छोटे सामानों से बिजनेस होता है। आप और हम जानते हैं कि हम जिंदगी भर घरेलू सामान का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोलगेट हो गया, ब्रश हो गया, कुरकुरे हो गया, बिस्कुट हो गया, दूध हो गया, सिगरेट हो गया, गुटके हो गए। ये सभी सामान हमेशा हमें ज़रूरत होती ही होती है। अंततः आप किराने के सामान का व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, यह भी एक बहुत अच्छा गांव में 12 साल महीने चलने वाला बिजनेस है, जिसे आप अपनी सीमा के अनुसार निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, किराने का व्यापार शुरू करने के लिए आपके पास एक शॉप के लिए स्थान होना चाहिए, जहां पर आप अपना सामान सुरक्षित रख सके। दोस्तों, आप अपने घर में से भी शुरू कर सकते हो। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के बाद दुकान पर पर्याप्त आवश्यक सामान रखना होगा। वर्तमान समय में यह व्यापार का अच्छा एक विचार है। हालांकि किराने के सामान में भी अनेक सामान के लिस्ट शामिल होती है। दोस्तों, शुरुआती दिन में किराना शॉप खोलने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वस्तुएं अपने शॉप में रख के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, जनरल शॉप खोलने के बाद थोड़ा मार्केटिंग अच्छे से कर ले, यानी आस पास से लोग और गाँव के अपने शॉप के बारे में जानकारी दे और रोजमर्रा की जिंदगी के प्रयोग होने वाले सभी वस्तुएं के आप रखने की कोशिश करें, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों, अब दूसरे बिजनेस की बात करें तो वो है वाटर सप्लाई बिजनेस। दोस्तों, हमारे जीवन में खाना, पानी और रहने के लिए घर अधिक महत्व है। एक इंसान बिना कुछ खाए कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना रहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये आप भी जानते हो। दोस्तों, गांव में शुद्ध पानी सप्लायर बिजनेस शुरू करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और यह कोई न्यू बिजनेस प्लान नहीं है। कई लोग इस बिजनेस को करके लाखों कमा रहे हैं। दोस्तों, पानी जितना पीने के लिए जरूरी है, उतना ही हमारे लिए खेतों के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, गांव के लोग खेती तो करते हैं, मगर समय पर पानी उपलब्ध ना होने के कारण उनका फसल खराब हो जाता है। ऐसे में उन किसानों के लिए आप खेतों में वाटर सप्लायर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जिससे हमारे देश में जीडीपी में फायदा होगा। दोस्तों, घर बैठे कौन सा बिजनेस करें सोच रहे हैं, तो वाटर सप्लाई बिजनेस आप करें। ये बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस बिजनेस में आपको पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट करना होगा और वाटर गांव के तालाब या नदी से आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब थर्ड बिजनेस की बात करूँ तो थर्ड बिजनेस है चाय की दुकान का बिजनेस। दोस्तों, चाय की शॉप का बिजनेस आइडिया भी एक शानदार है। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि यह बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज कहीं ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाय की दुकान शुरू की और उनके बाद उनका रेस्टोरेंट भी है। अगर आपके पास चाय बनाने का अच्छा हुनर है तो आप भी चाय के साथ अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, हम इंडियन के लिए सुबह का एक कप चाय की चुस्की मिल जाए तो हमारा दिन बन जाता है। टी शॉप एक छोटा बिजनेस है, मगर सबसे ज्यादा कमाई वाला बिजनेस यही है। दोस्तों, वैसे आप यह तो जानते ही होंगे कि चाय हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी जरूरत हमें पड़ती है। कहीं लोग सुबह भी चाय पीते हैं, कहीं लोग रात को भी चाय पीते हैं। दोस्तों, मतलब शाम को भी पीते हैं।
तो अगर आप ये चाय का बिजनेस शुरू कर लोगे वहाँ पे, तो लोग चाय पे चर्चा करने के लिए आपकी शॉप पे ही आएंगे दोस्तों, क्योंकि हर बार कोई ना कोई घर पे चाय बना के देता ही नहीं है दोस्तों। जैसे कि मेरे घर में ही देख लो, मेरे मम्मी पापा को चाय बना के नहीं देते, तो मेरे पापा बाहर दुकान पे ही जाते हैं और चाय पीते हैं दोस्तों। एक्चुअली मैं तो शहर में रहती हूँ, मगर आप गाँव में रहते हैं तो अब ये बिजनेस आपके लिए एकदम सही है दोस्तों। और फोर्थ आइडिया की बात करूँ तो वो है मोबाइल रिचार्ज और मनी ट्रांसफर का बिजनेस। दोस्तों वर्तमान में यह बिजनेस भी किसी से छुपा नहीं है, यह बिजनेस शहरों में काफी किया जाता है, लेकिन मोबाइल रिचार्ज और मनी ट्रांसफर की जरूरत गांव में भी बहुत अधिक होती है। इनके अलावा यह बिजनेस गांव में कम लोग ही करते हैं, इसीलिए आपको यह बिजनेस शुरू करना चाहिए दोस्तों। मोबाइल रिचार्ज का बिजनेस आज के समय में काफ़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है, और मनी ट्रांसफर के लिए आपको करीबी बैंक में संपर्क करना होगा और आपको लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत होगी दोस्तों। मोबाइल दुकान खोलकर मोबाइल संबंधित सुविधा जैसे कि मोबाइल रिपेयर हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, मोबाइल एक्सेसरीज आप रख के बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों, और ये आपके लिए पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है दोस्तों। अब बात आती है पांचवें आइडिया की, तो वो है पानी पूरी का बिजनेस। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पानी पूरी सबको बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। अगर गांव वाले को पानी पूरी खानी है तो वो लोग शहर में जाते हैं, क्योंकि गांव में कोई पानी पूरी सेल नहीं करता। अगर आप गांव में पानी पूरी का बिजनेस शुरू करोगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आजू बाजू के गाँव वाले भी आपके यहाँ पे पानी पूरी खाने आएंगे दोस्तों। पानी पूरी कैसी चीज है जिसे भारत मूल के लोगों के एक विषय रूप से किसी भी तरह के परिचय की आवश्यकता नहीं है, और ये मिनी बिजनेस है दोस्तों। पानी पूरी एक छोटा कटोरा प्रकार का कंटेनर है जो कभी कभी फ्लोर या सूजी से बनाना होता है, और वे भर जाते हैं मसालेदार उबले हुए आलू, चना मटर और फिर डूबा हुआ और इमली और जड़ी बूटियों से मसालेदार चटपटा गोलगप्पा अगर बनाएंगे तो लोग आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से आएंगे और आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा दोस्तों। अब छठा बिजनेस है, वो है मसालों का बिजनेस। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मसाले के बिना आज किसी को भी नहीं चलता, हर बंदे को मसाले तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, और भारत मसाला बनाने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। स्पाइसेस यानी मसाला, सब्जी में मसाले डालने से अलग अलग स्वाद बनता है, और इस बिजनेस आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। लोग तैयार भोजन की तलाश में हैं और मसाला पाउडर खाना बनाना आसान लगता है, इसीलिए मसाला पाउडर का उपयोग लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। आप उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रकृति के लिए प्रचार सामग्री के रूप में पैकेजिंग का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी की जानकारी प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों मसालों का बिजनेस शुरू करने में जितनी वस्तुएं इस्तेमाल होती है वह सब आप अपने गांव आसानी से मिल सकता है, जिसे इस्तेमाल करके आप अच्छी क्वालिटी के स्पाइसेस अपने गांव के शहर में सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मसाले को मिक्स करके खिचड़ी मसाला बना सकते हैं और उसकी छोटी छोटी पैकेज बना के आप बेच सकते हैं। फिर दोस्तों आप धनिया पाउडर भी क्रश करके बेच सकते हैं, मिर्ची का पाउडर क्रश करके बेच सकते हैं, तो दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सातवां बिजनेस आइडिया है अचार बनाने का बिजनेस। दोस्तों अचार बनाने का बिजनेस गांव में चलने वाला बिजनेस आइडिया है। तो दोस्तों अचार के बिजनेस के बारे में बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अचार के बारे में आप सभी जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि आज स्वाद के अनुसार अनेक तरह के अचार बनाए जाते हैं। लोग शादी हो गई, पार्टी हो गई और अन्य खाने के प्रोग्राम में अचार को अवश्य जोड़ते हैं दोस्तों अगर आप छोटा बिजनेस जैसे कि आप नींबू का अचार बना लो, कैरी का बना लो, आम का बना लो, करेला का बना लो, मिर्ची का बना लो, गाजर का बना लो, प्याज का बना लो, फिर लहसुन का, अगर आप घर से अचार बना लोगे तो जैसे 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 कोई भी शादी होगी तो आप वहाँ पे मार्केटिंग कीजिए, आपके यहाँ से ही लोग अचार ले लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए एकदम सही है दोस्तों। जो नेक्स्ट आइडिया है वो है दवा की दुकान। दोस्तों यदि आप भारत में फार्मेसी की दुकान की बात करें तो बहुत सारी दुकानें हैं और अच्छी कमाई कर रही है दोस्तों। आप जानते हैं कि लॉकडाउन में हर शॉप बंद थी लेकिन दवा की दुकान शुरू थी दोस्तों, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों मोस्टली गाँव में दवा की दुकान नहीं होती है, आपको शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो अगर आप दवा की दुकान आपके शहर में आपके गाँव में ओपन करेंगे तो आपके लिए ये बहुत
अच्छी साबित हो सकती है। दोस्तों नौवां है किताब की दुकान। दोस्तों आज के दौर में एक बुक शॉप चलाना एक चुनौती है, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो गई है दोस्तों, और ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल कंप्यूटर आदि पर बुक को पढ़ना पसंद करते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप गांव में जहां पे स्कूल है वहां पे एक किताब की दुकान शुरू कर देंगे तो अच्छी चलेगी, क्योंकि सबको नोट पेंसिल सबकी ज़रूरत होती ही होती है दोस्तों। और जब गांव वाले लोगों को कुछ चाहिए होता है स्टेशनरी स्टॉक तो वो लोग शहर में जाते हैं, बट दोस्तों अगर आप गाँव में ही ओपन कर लोगे तो लोग आपके यहाँ से ही वो चीज़ें खरीदेंगे दोस्तों। तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। दोस्तों जो दसवां बिजनेस है वो है सब्जी का बिजनेस। दोस्तों भारत में फल सब्जी की दुकान शुरू करना एक लाभदायक व्यवसाय है दोस्तों, और ये स्मॉल आइडिया भी है विलेज वालों के लिए। दोस्तों वेजिटेबल शॉप शुरू करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना आवश्यक है, और यह आपके व्यवसाय की के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों वेजिटेबल शॉप शुरू करना आसान है, क्योंकि यह पूंजी गहन नहीं है। एक सफल स्टोर का मुख्य रहस्यमय उन उत्पादनों का होना चाहिए जो ग्राहक चाहते हैं। जैसे कि आपके गांव में लोग अगर भिंडी ज़्यादा खाते हैं तो आप भिंडी बेचिए, अगर बटाटा चाहिए फिर प्याज चाहिए, जो लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो अगर आप रखोगे तो लोग आपके यहां से ज़्यादा सब्जी खरीदेंगे दोस्तों। दोस्तों और अगर सब्जी के लिए अगर आपको दोस्तों गाँव में तो दोस्तों सब्जी होती ही है, आप अपने जो गार्डन एरिया है उसमें भी सब्जी उगा सकते हो दोस्तों। दोस्तों जो ग्यारहवां बिजनेस है वो है पोल्ट्री फार्म का बिजनेस। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस एकदम बेस्ट बिजनेस है, जिसमें मुर्गी का पालन किया जाता है। दोस्तों इस बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट जैसे कि 50 से 1 लाख रुपए तक आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को गांव में घर के पीछे एक छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए भारत सरकार भी सब्सिडी देती है दोस्तों। तो अगर आप ये पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करेंगे तो ये आपको लाभदायी होगा दोस्तों। वर्तमान में पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कई तकनीकें मौजूद है, जिससे उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों जो बारहवां बिजनेस है वो है मुर्गी पालन का बिजनेस। दोस्तों अगर हम विलेज बिजनेस आइडिया की बात करें, इसमें मुर्गी पालन का बिजनेस भी एक आइडिया है, क्योंकि मुर्गी आसानी से मिल जाती है और इसका उत्पादन भी आसान होता है। इसके अलावा इसे मिलने वाले मुनाफा भी अधिक है, जैसे कि मुर्गी के अंडों और मांस से आप पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों वर्तमान में मुर्गी पालन के लिए भी अनेक तरह के टेक्निकें बन चुकी है, तो आप उस टेक्निकों के द्वारा भी इस बिजनेस को आसानी से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जो तेरहवां बिजनेस है वो है फूलों का बिजनेस। दोस्तों गांव में बिजनेस करने के बारे में सोचा जाए तो फूलों का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। दोस्तों गांवों में फूलों आसानी से बहुत ही कम कीमत पर मिल जाते हैं, आप उन फूलों को अलग अलग डिज़ाइन में तैयार करके आप शहर में बेचने जा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप जैसे देखने जाए तो बहुत ही कम रुपयों में आपको थोक में फूल मिल जाएंगे दोस्तों। आप छोटी छोटी मालाएं बना के भी अगर जाएंगे मंदिर के बाहर बैठेंगे तो आपको अच्छा बिजनेस होगा दोस्तों। दोस्तों चौदहवां बिजनेस है वो है मिट्टी का बिजनेस। दोस्तों मिट्टी की खोज का तात्पर्य चिकनी मिट्टी से बने वस्तुएं हैं, जैसे तुआ हो गया, मटकी हो गई, गुल्लक हो गया, ग्लास हो गया, प्याली हो गई, कोप हो गए, खिलौने हो गए, मूर्तियाँ हो गई। दोस्तों आप इन चीज़ों का भी बिजनेस कर सकते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि आप सभी आधुनिकीकरण बहुत ज़्यादा फैला चुका है और लोग अनेक घातों से निर्मित वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें आज भी लोग मिट्टी की चीज़ों पसंद करते हैं दोस्तों। हालांकि अब वह कला भरपूर मिट्टी से बर्तन आने बंद हो गए, लेकिन आप इस बिजनेस को आसानी से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब शादियाँ होती है तो लोग मटके तो लेते ही है, फिर दिवाली के टाइम पे दिए तो लेते ही है दोस्तों। तो अगर आप इस मिट्टी के चीज़ों का बिजनेस शुरू करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। दोस्तों जो दूसरा बिजनेस है वो है प्लांट नर्सरी का बिजनेस। दोस्तों प्लांट नर्सरी का बिजनेस काफ़ी अच्छा और फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों यह कृषि क्षेत्र का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें पेड़ पौधे, गमले, प्लास्टिक, पॉलीथीन, खाद्य, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। दोस्तों आजकल तो लोग बहुत सारे प्लांट नर्सरी के बिजनेस शुरू कर दिए शहर में दोस्तों। कई लोग ऐसे हैं जिसको फूलों से या प्लांट से बहुत लगाव है, वो अपने घर में चार चार दस दस गमले तो आसानी से रखते हैं। आपको बस उसको अच्छे से टेक केयर करनी होगी, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है उससे प्लांट को बचाना होगा और बेचना होगा। ये बिजनेस भी एक आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों सोलहवां बिजनेस है वो है मधुमक्खी और शहद का बिजनेस। दोस्तों यह भी गाँव में बिजनेस करने का अच्छा आइडिया है, क्योंकि शहद
हेल्थ की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रही है दोस्तों। आपकी मांग उद्योग इसकी मांग दोस्तों उद्योग दवाइयों और घरों में काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसे शुरू करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट कम लगता है दोस्तों। हालांकि इस बिजनेस को करने के लिए आवश्यक ज्ञान की ज़रूरत होती है दोस्तों, ताकि आप अधिक मात्रा में शहद प्राप्त कर सके दोस्तों। और दोस्तों शहद को आप डिब्बे में पैक करके अपने नाम के ब्रांड्स के साथ बेच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको टोटल 16 आपको मैंने बिजनेस आइडिया बताया है जो आप गांव से शुरू कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।